सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में बात करेंगे हम प्रोजेक्ट नेत्र की। जानेंगे चर्चा में क्यों है, प्रोजेक्ट नेत्र क्या है और इसका क्या महत्व है। देखिए, अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर जानकारी जुटाना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाना और नए अभियान शुरू करना इनके लिए जरूरी है कि कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को जुटा लिया जाए या महत्वपूर्ण सूचनाओं को जुटा लिया जाए। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अंतरिक्षीय वस्तुओं पर नजर रखने के लिए एक नई परियोजना बनाई गई जिसको नाम दिया गया नेत्र। नेत्र के अंतर्गत दूरबीन केंद्र स्थापित करने के निमित्त सहयोग के लिए इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष खगोल भौतिकी संस्थान यानी कि IIA के साथ एक समझौता किया और इस समझौते के तहत परियोजना को आगे बढ़ाया। नेत्र है क्या, यानी कि परियोजना किस तरीके से काम करती है, प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जाएगा कहां पर, स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में। इस प्रोजेक्ट के तहत अंतरिक्षीय मलबे का पता लगाने के लिए इसरो कई रडार और दूरबीन स्थापित करेगा और जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होंगे। साथ ही अनेक डाटा प्रसंस्करण इकाइयों और एक नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जिसके मतलब इस प्रणाली के द्वारा 3400 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित 10 सेंटीमीटर छोटी वस्तुओं का भी पता लगाया जा सकेगा और पता लगाने के साथ साथ इनकी एक सूची भी तैयार की जा सकेगी। ये है प्रोजेक्ट नेत्र के तहत होने वाले काम। जाने इसका महत्व क्या है। देखिए, भारत रोज अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाता जा रहा है और नित नई सफलताएं अर्जित भी करता जा रहा है, तो इस परियोजना के बल पर अन्य अंतरिक्ष शक्तियों की तरह भारत में अंतरिक्ष की शक्ति को समझने का एक सामर्थ्य जुटा पाएगा और ऐसा सामर्थ्य अर्जित कर लेगा कि जिससे वो ये पता लगा सके जो उसने ज्ञान प्राप्त किया कि उपग्रहों पर मलबे से होने वाले खतरों की भविष्यवाणी हो सके और उसी तरीके से प्रयास किए जाएं कि भविष्य में जो मलबा है उसे किस तरीके से कम किया जा सकता है। नेत्र का अंतिम लक्ष्य 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर या भू स्थैतिक यानी कि जियो स्टेशनरी परिक्रमा स्तर पर अंतरिक्ष की स्थिति की जानकारी को प्राप्त करना और इसी परिक्रमा के पथ पर हम जानते हैं अधिकांश संचार उपग्रह काम करते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट नेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज के बदलते युग में जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उनके लिए संचार उपग्रहों का सही तरीके से काम करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो यह है प्रोजेक्ट नेत्र, जो आज के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में नए टॉपिक को लेकर एक बार फिर आपसे मिलेंगे। आप लगातार साथ बने रहें, कमेंट करते रहें, इन्फोनी कॉर्नर देखते रहें। जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।